तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे चैनल का यू आर एल निकाला हुआ है और यहाँ आप देख सकते हो दिस चैनल वॉज रिमूव बिकॉज इट वायलेटेड अवर कम्युनिटी गाइडलाइंस मतलब कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आने की वजह से ये चैनल को जो है रिमूव कर दिया गया है लेकिन मैंने यहाँ पे इसका यू आर एल निकाला हुआ है अगर आप डायरेक्टली ओपन करते हैं यूट्यूब को तो आपको जो है यू आर एल ये वाला नहीं मिलेगा ये देख सकते हैं यही है जो यूट्यूब चैनल का यू आर एल डिलीटेड यूट्यूब चैनल का यू आर एल है तो इसको कैसे निकलना है ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और अगर आप दोस्तों अगर डायरेक्टली आप यूट्यूब को ओपन करें जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ यूट्यूब मैंने यहाँ पे डायरेक्टली यूट्यूब ओपन किया है www.youtube.com तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चैनल डिलीट हुआ है तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी गूगल अकाउंट लॉग इन है लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है साइन इन फिर से साइन इन करने के लिए बोल रहा है मतलब जो है यूट्यूब चैनल डिलीट हो चुका है लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे जो ये देख सकते हो आप यहाँ पे चैनल रिमूव यहां पे दिखा रहा है और चैनल का यू आर एल यहाँ पे टॉप में दिखा रहा है तो ये हमको चाहिए तो उसको कैसे निकालना है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कुछ ही स्टेप्स को आपको तीन चार स्टेप आपको फॉलो करने होंगे और आपका जो है चैनल का यू आर एल ऐसे ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा और अगर बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मैंने साइन इन नहीं किया हुआ है जो यूट्यूब पे यहाँ पे साइन इन नहीं किया है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दू यहां देख सकते हो, ये जो गूगल है ये यह यहाँ पे ऑलरेडी साइन इन हो चुका है तो मैं इसको फिर से रिफ्रेश करके भी आपको दिखा देता हूं यहाँ पे साइन इन हो चुका है देख सकते हैं, यहां साइन इन और यहां भी मैं रिफ्रेश कर देता हूं यहां पर भी साइन इन है तो ये प्रॉब्लम जिस जिस को आ रही है मतलब जिस जिस को अपने चैनल का यूआरएल नहीं मिल रहा है तो वो इस प्रोसीजर को फॉलो करें तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूं तो सबसे पहले आपको क्या करना है अपने चैनल का यूआरएल सर्च करने के लिए तो आपको यहां पे कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है आप कोई भी क्रोम ब्राउजर या माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर कोई भी यूज़ कर सकते हो उसमें आपको ओपन कर लेना है न्यू टैब ओपन कर लेना है और मैं यहां पे आपको सर्च करना है क्या लिखना है यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है माई अकाउंट और इसको करने से पहले दोस्तों आपको अपना अकाउंट लॉग लेना है या फिर तो बहुत अच्छा है माई अकाउंट वाला उस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक Account, है, क्लिक है। या फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे साइन इन अकाउंट तो ऑलरेडी यहां पर मैंने साइन इन किया हुआ तो यहां क्लिक करूंगा तो साइन इन नहीं दिखाएगा लेकिन अगर आप साइन इन नहीं करते हो तो आपको साइन इन करने का ऑप्शन दिखाएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे साइन इन हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट में होम पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाटा प्राइवेसी सिक्योरिटी पीपल एंड शेयरिंग ये सब लिखा हुआ है तो आपको क्या किसी और पर क्लिक नहीं करना आप यहाँ देख सकते हैं डाटा एंड प्राइवेसी इस पे आपको क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है दोस्तों ध्यान ध्यान से देखिए दोस्तों डाटा एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल कर लेना है स्क्रॉल करते जाएंगे अगर तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आना है और यहाँ देख सकते हैं गूगल फिट और यहाँ पे मैं आपको ध्यान से बता देता हूँ दोस्तों यहाँ देख सकते हैं ये आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे आने के बाद एप्स एंड सर्विसेज के नीचे आपको यहाँ पे ईमेल फ्रॉम गूगल सर्विसेज लिखा होगा तो इसके ठीक राइट साइड में यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड और डिलीट योर डाटा ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इस पे आपको आ जाना है इस पे आपको आ जाने के बाद दोस्तों आपको डरना नहीं है यहाँ पे जो डिलीट है गूगल सर्विस लिखा है इस पे आपको क्लिक करना है अगर इसको क्लिक करते हैं तो डिलीट कुछ नहीं होगा आपको बस मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ मेरा भी ये जो चैनल है तो मैं इस पे भी क्लिक कर लेता हूँ तो देख सकते हैं कुछ समय लोड होगा उसके बाद यहाँ पे आपको जो है पासवर्ड पूछेगा दोस्तों आपका जो भी यूट्यूब चैनल का या मतलब जो जी मेल का है पासवर्ड उसको आपको एंटर कर देना है तो मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूं पासवर्ड को तो एंटर पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसा आएगा दोस्तों देख सकते हैं डिलीट ए गूगल सर्विस और यहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शन आएंगे यूट्यूब जी मेल प्ले गेम्स मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो जो इस जी मेल आई का यूट्यूब चैनल है वो डिलीट हो चुका है मतलब यूट्यूब की तरफ से टर्मिनेट हो चुका है लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे दिखा रहा है यूट्यूब और कितने वीडियोज अपलोड किए हैं मैंने वो भी यहाँ पे दिखा रहा है तो उसको हमको क्या करना है यहाँ पे आपको जो डिलीट का ऑप्शन है डस्टबिन का जो ऑप्शन है मतलब टच कैन का इस पर आपको क्लिक करना है। और डरना नहीं दोस्तों इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका चैनल डिलीट नहीं होगा तो आप बेझिझक कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ और जिन जिनको डर लग रहा है वो लोग इस वीडियो को देख लें मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है तो उसके बाद हमको यहाँ पे क्लिक करना है मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो देख सकते हैं मैं इस पर क्लिक करना हूँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ समय लोड होगा यहाँ पे लोड हो है देख सकते हैं उसके बाद ये स्टेप आएगा दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि अगर आप दर, जरा से भी मिस्टेक करेंगे अगर थोड़ी सी भी अगर मिस्टेक करते हैं तो आपका चैनल परमानेंटली डिलीट हो जाएगा आप रिकवर नहीं कर पाएंगे और आपका यू भी नहीं मिलेगा तो इसीलिए आपको इस प्रोसीजर को ध्यान से देखिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पे जो नीचे है आर ओ इन सबको आपको क्लिक नहीं करना अगर आप इसको गलती से भी क्लिक कर देंगे तो आपका सब कुछ चला जाएगा मतलब जो भी डिटेल से, मतलब सब्सक्राइबर्स और जो भी भी मतलब सब्सक्राइबर्स और चीज़ है, सब कुछ चला जाएगा इसलिए आपको उस पर क्लिक नहीं करना यहाँ पे बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना तो मैं फिर से आपको यहां पे दिखा देता हूं बैग जाकर देख सकते हैं तो मैं यहां पे बैग जा रहा हूं दोस्तों यहां पे थोड़ा सा लोड हो रहा है हाँ देख सकते हैं यहाँ पे डस्टबिन का ऑप्शन क्लिक करना आपको इसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो ब्लू कलर का मतलब जो चैनल का नाम नाम है यहाँ पे स्टेटस धमाका करके इस चैनल का नाम था जो डिलीट हो चुका है टर्मिनेट हो चुका है तो इसको आपको क्लिक करना है, इस, इसी को क्लिक करना है आपको यहाँ पे और कहीं भी क्लिक नहीं करना है तो अगर आपका जो भी चैनल है ये हो सकता है आ, ग्रो विथ यूनिस जैसे मेरे चैनल का नाम है तो वो हो सकता है मतलब जो भी आपके चैनल का नाम है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा ब्लू कलर में दिखाएगा तो उसको आपको क्लिक करना है क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो है चैनल ऐसा आ जाएगा दिस चैनल वॉज रिमूव बिकॉज इट वायलेटेड अवर कम्युनिटी गाइडलाइंस मतलब यहाँ पे आपका जो है चैनल यहाँ पे आ जाएगा लेकिन चैनल डिलीट हो चुका है लेकिन आपको यहाँ पे क्या चाहिए था यहाँ पे देख सकते हैं ये जो यू है इसको आपको यहाँ पे सिंपली कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेना है कॉपी करने के बाद आप जहाँ चाहे इसको पेश कर सकते हैं सेव करके रख सकते हैं जो आप यूट्यूब चैनल आपका जो डिलीट हुआ है उसको अपील करने के लिए जो भी आपका यू पूछ रहा है तो इसी यू को आपको वहाँ पर पे पेश करना है अगर आप इस यू को पेश करके अपील करते हैं तो आपका हंड्रेड चांसेस है कि आपका जो है चैनल वापस आ जाएगा यूट्यूब की तरफ से अगर टर्मिनेट हुआ होगा तो और दोस्तों जो जिनको पता नहीं चला है फिर से देख लो फिर से यहाँ पे ध्यान से देख लो ये जो ये आ, जो लिंक है यहाँ पे इसी को आपको यहाँ पे कॉपी करना है जो यहाँ पे आप देख सकते हो एच के बाद जो भी यहाँ पे लिंक है यूट्यूब चैनल मतलब यूट्यूब डॉट कॉम स्लैश चैनल उसके बाद जो भी यहाँ पे लिंक है इसी को आपको क्लिक करना है ये इस चैनल का लिंक है आपकी यू चैनल का दूसरा लिंक होगा तो आपको वहाँ पे वैसे ही आपको कॉपी कर लेना है इसको कंप्लीट सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल ये करके कंट्रोल सी कॉपी कर लेना है और कहीं भी आपको पेस्ट करके सेव कर लेना है अगर आप इसको मतलब आप ओपन नहीं कर पा रहे तो आप फिर से इस वीडियो को देख लेना या फिर कहीं और सेव कर लो इस वीडियो को तो आपको ईजिल स्टेप बाई स्टेप पता चल जाएगा और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना तो मैं आपको उसका सोल्यूशन जल्द ही बता दूंगा और जिस जिसका चैनल भी यूट्यूब की तरफ से टर्मिनेट हो चुका है या फिर आपका चैनल डिलीट हो चुका है तो डिस्क्रिप्शन को रिकवर कर सकते हो और उससे बहुत लोगों को फायदा हुआ है उनका चैनल वापस भी आया अभी खुशी से वो लोग अपना चैनल पर वीडियो बना रहे हैं और आपके अगर कोई भी दोस्त है जिनको भी उनका यूट्यूब का यू आर एल नहीं मिल रहा है यूट्यूब चैनल का यू नहीं मिल रहा है होने के बाद चैनल को तो उनको इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि उन लोग को भी अपने चैनल का यूएल मिल जाए और वो अपने चैनल को रिकवर कर पाए इजीली तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय